राहुल भट्ट जी, हरिद्वार से आपने ये संदेश भेजा है। आप कह रहे हैं कि महाराज जी, हनुमान जी की कितनी परिक्रमा होती है? अगर हम यह कहें कि शंकर जी के वह अवतार हैं, तो इस प्रकार से तो उनकी आधी होनी चाहिए, लेकिन आधी तो शंकर जी की सोमसूत्र की वजह से होती है, तो हनुमान जी की कितनी परिक्रमा होगी? हर हर महादेव। मुझे आश्चर्य है कि मैं आप जैसे महान संत से बात कर पा रहा हूँ। फेसबुक पर आपका चलचित्र देख रहा था, लगातार आपको सुनता रहता हूँ, निजी तौर पर आपका बहुत आदर करता हूँ। तो देखिए, शिव जी के अवतार जरूर हैं हनुमान जी, लेकिन हनुमान जी तो स्वतंत्र देवता भी हैं। इसीलिए हनुमान जी का मंत्र अलग है शिव मंत्र से, इसीलिए हनुमान जी की पूजा की पद्धति अलग है, इसीलिए हनुमान जी का नाम शिव जी से अलग है, उनका शिव है उनका हनुमान है, इसीलिए हनुमान जी के चरित्र अलग हैं शिव जी के चरित्र से। तो यद्यपि वो भगवान शिव के ही अवतार हैं, रुद्रावतार हैं, रुद्र देह तजिनेह वस बानर भय हनुमान, लेकिन अलग अवतार होने के कारण उनकी पूरी पद्धति अलग है। इसलिए शिव जी की जो आदि प्रदक्षिणा होती है, वैसे ही हनुमान जी की आदि प्रदक्षिणा नहीं होगी, हनुमान जी की पूरी प्रदक्षिणा होगी एक परिक्रमा। जैसा कि आपने बताया है कि शिव जी के मंदिर में सोमसूत्र के कारण आदि प्रदक्षिणा होती है, बिल्कुल सही है, वहाँ पर कोई बाधा है। जब हम प्रदक्षिणा करने लगते हैं तो आगे प्रवाह आ जाता है जलाधरी का, इसीलिए वहाँ से हमको लौट के आ जाना पड़ता है, इसलिए आधी परिक्रमा से ही पूरी परिक्रमा मान ली जाती है। लेकिन हनुमान जी के मंदिर में तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, इसलिए वहाँ पर आप पूरी प्रदक्षिणा करके उनको प्रणाम करिए। नारायण।